घनश्याम कुंभमन है, क्या बात है भाई। ब्रज के उनके बचैया घनश्याम कुंभमन है, हृदय में जो विराजे ब्रज भाव कुंभमन है। कोटि कोटि प्रीति वृषभानुजा के चरणन, क्या बात है। कोटि कोटि प्रणति वृषभानुजा के चरणन, गिरिराज भानुजा की ब्रज धाम को नमन है। गिरिराज भानुजा ब्रज धाम को नमन है। क्या बात है भाई। भाई साहब, अशोक जी ने जो यमुना जी दिख रही है उसका चित्रण किया, और मैं दो मुक्तक सुना रहा हूं, हमें जैसी यमुना जी दिख रही है वैसी। क्या बात है दो मुक्तक। स्वागत है भाई, स्वागत है। और संभवतः हमारे कवि बंधुओं ने भी पहली बार ये मुक्तक सुन रहे हैं, जमीन नई मुक्तक है। हृदय की शव कनिष्ठा जो धोबी नाम, क्या बात है। हृदय की शव कनिष्ठा जो धोबी नाम श्रीयम्मा, जनके तास कुंभियते निकारे नाम श्रीयम्मा। ये भानु तनया ओ कन्हैया की पटरानी, ये भानु तनया ओ कन्हैया की पटरानी, शाम के रंग दे तन मन भिगोने नाम श्रीयम्मा, शाम के रंग दे तन मन भिगोने नाम श्रीयम्मा। यमुना जी को रंग है श्याम, और गंगा जी को रंग है गौर, तो यमुना जी श्याम रंग की क्यों भाई। यहां पर मेरे तर्क काव्य के माध्यम से स्वागत। ब्रज की रज सुनहरी श्याम रंग कैसे भैयम्मा, ब्रज की रज सुनहरी श्याम रंग कैसे भैयम्मा, ब्रज की बाम हो सुंदर श्याम कैसे भैयम्मा, लगे अचरज ये रंग लगे अचरज हमें ये गात के रंग सो प्रभावित है, लगे अचरज हमें ये गात के रंग सो प्रभावित है, नहाए नील बड़ी कान्हा यही सुश्याम भैया, नहाए नील बड़ी कान्हा यही सुन बहुत अच्छा श्याम भैया। बहुत अच्छा। एक बार देखो, ये हमारे अशोक जी ने यह अवस्था में फूल टिकिया दिवस मनाने का प्रयास करो, ये अपनी अपनी अवस्था की बात है। ये फूल टिकिया तो दिवस मनाने का प्रयास कर रहे हैं ना, कौन कह रहे हो ना ना, ना। खैर, मैं निश्चित रूप से अपनी भूमिका को निर्वाह फूल टिकिया दिवस मनाने में व्यर्थ नहीं करूंगा। मैं कुछ ऐसी बात कहूं मंच पे जो केवल मनोरंजन करके नहीं घर ले जाने तक काम आए। निश्चित रूप से मैं ऐसा मुक्तक पढ़ने आ रहा हूं बीच बीच। हाँ अवश्य। या धरती पे, ब्रज की या धरती पे, मैं चाहूं नित्य नयो आयोजन हो, नित्य नया आयोजन हो, लेकिन काव्य भी कोई ऐसा हो जिसका कोई प्रयोजन। वाह वाह।
तो मैं वास्तव में कैसा मुक्तक पढ़ रहा हूं कि हमारे जीवन में जब विसंगतियां आवे, जब निराशा छावे, तो हम वास्तव में सकारात्मक कैसे रहे। जब हम नकारात्मक रह जाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, जब हम सकारात्मक रहेंगे तो अपने उस समय को भी पार कर जाएंगे और हम लाभ में भी रहेंगे। क्या तो सकारात्मक रहने के लिए चार पंक्तियां दे रहा। स्वागत है भाई, स्वागत है गोपाल। जब निराशा हो उस समय सोचे मुझे समझाने वालों की कतारें बहुत लंबी है। क्या क्या बात है भाई। मुझे समझाने वालों की कतारें बहुत लंबी है, मेरा पथ रोकने को भी दीवारें बहुत लंबी है। नहारा हूं नहीं मैं पस्त मस्ती में रहूं छक कर, जहां चढ़ना मुझे वो भी मीनारे बहुत लंबी है, जहां चढ़ना मुझे वो भी मीनारे बहुत लंबी है। एक बात और इसी क्रम में, संभाले घर जो औरों की तो घर अपनी संभलते ही। संभालना सामता, क्या बात है। संभाले घर जो औरों के तो घर अपने संभलते हैं, बिछाए फूल औरों को तो पथ अपने महकते हैं। क्या बात क्या बात। हवन के पास हम बैठे बुरा हम का सोची, समझ लो उस हवन में तो स्वयं के हाथ जलते हैं। समझ लो उस हवन में तो स्वयं के हाथ जलते हैं। क्या बात है। आज एक स्थिति की तरफ आपको ले चलता हूं एक मुक्तक के माध्यम से। स्वागत है भाई, स्वागत है यार। हमारे घरों में साक्षात देवता जो माता पिता विराजमान है, उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। क्या है जो नहीं करते हैं, जो माता पिता को सम्मान नहीं देते हैं, वो वास्तव में दुर्भाग्यशाली है। सौभाग्यशाली वो है जो अपने माता पिता को सम्मान करे और सेवा करे। चार पंक्तियां यदि आप सहमत हो तो अपनी चेतना से मुझे बताना कि आप मेरी बात समझ गए। क्या बात है क्या बात है क्या बात। सभी का ताप हर कर चांदनी बूढ़ी नहीं होती। क्या बात। सभी का ताप हर कर चांदनी बूढ़ी नहीं होती, सभी को तेज देकर रोशनी बूढ़ी नहीं होती, समय के फेर से कमजोर आंखें हो भले उनकी। क्या बात है। मगर माँ बाप के दिल की दुआ बूढ़ी नहीं होती, मगर माँ बाप का बूढ़ी नहीं होती, जो पारो प्रेम के आंसू तो गंगा जल समझ लेना, जो पारो प्रेम के आंसू तो गंगा जल समझ लेना, बुरी घटना को जीवन में विगत एक कल समझ लेना, बड़ा की कर चरण बंदन कृतारत कर स्वयं अनुभव, जो अच्छा हो उसे आशीष का ही फल समझ लेना।